नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूं, इस उपाय को आप करके देखें, आपकी लाइफ से टेंशन, समस्या जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। रविवार का दिन बहुत पावरफुल होता है। वैसे लोग ये बिलीव करते हैं कि जैसे सैटरडे है, मंडे है, सॉरी ट्यूसडे, मंगलवार, शनिवार, ये दोनों ही वार उतारे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूं दोस्तों, ये दोनों वार तो होते ही हैं, लेकिन संडे के दिन दोपहर 12 बजे का समय या फिर 2 बजे का समय बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। इस समय जो आप उतारे करते हैं, वो उतारे आपकी लाइफ से सारे ही टेंशन लेकर के चले जाते हैं। जिस चीज को आप टारगेट करके इन उतारों को करते हैं, वो चीज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा ही उपाय बता रही हूं कि इस उपाय को आप संडे दिन में 12 बजे करें और रिजल्ट देखें। दोस्तों, आपको आप कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो जिससे आप जूझ रहे हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप इसको करें, आपको लगता है जैसे आपके घर में लक्ष्मी बांध दी गई है। कितने बार ऐसा होता है दोस्तों, लक्ष्मी का बंधन किसी और के द्वारा भी किया जाता है, और कितनी बार लक्ष्मी का बंधन अपने आप हो जाता है क्योंकि आपकी खुद की नजर भी आपके घर की लक्ष्मी को, आपके घर के धन को लग जाती है। कभी दोस्तों आपके घर में नेगेटिविटी का इतना जबरदस्त वर्चस्व होता है आपकी लाइफ में, आपके घर के अंदर, कि वो चीज भी आपको सक्सेस हासिल नहीं होने देती है। तो इस उपाय को आप संडे के दिन में 12 बजे करके देखें, ठीक है? आप 21 दाने ले लें राई के, काली सरसों आपको लेनी है 21 दाने, ठीक है? और आपको एक नींबू लेना है। नींबू यदि धारी वाला आप लेते हैं जिसमें एक लाइन बनी होती है ऊपर, वो नींबू बहुत पावरफुल होता है तंत्र मंत्र के लिए, या जिस चीज को भी आप उद्देश्य करके इस नींबू का आप यूज करते हैं, वो काम आपका फटाफट हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आपको धारी वाला नींबू मिल जाए बाजार से। अगर धारी वाला नींबू नहीं मिलता है तो फिर आप साधारण नींबू ले लें, जो भी आपको मिले, लेकिन वो दागा दागी वाला ना हो, खराब ना हो, बिल्कुल फ्रेश हो, रस से भरा हुआ हो, ठीक है? और उसमें दोस्तों आपको 11 हॉल कर लेने हैं जिसमें आप राई को फंसा सकें, बराबर? आपको 11 दाने गिन करके राई के लेने हैं, सरसों के, काली सरसों के, और आपको उस नींबू के अंदर काली सरसों डाल देनी है। नींबू खुद इतना पावरफुल है कि वो आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी उसको खींच कर निकाल देता है और पॉजिटिविटी को डेवलप करता है। दूसरा, कोई भी दुख है, दलिद्रता है, कोई तकलीफ है, उन सारी ही चीजों को काली सरसों बहुत जल्दी आपकी बॉडी से खींच लेती है। तो आपको 21 दाने लेने हैं काली सरसों के, जो आपको नींबू के अंदर गाड़ देने हैं, ठीक है? गाड़ने के बाद दोस्तों, इस नींबू को सबसे पहले आपको अपनी तिजोरी पर से 7 बार उबार लेना है। 7 बार आपको इस नींबू को अपनी तिजोरी के ऊपर से उबार लेना है, ठीक है? उसके बाद 7 बार आप इस नींबू को अपने ऊपर से उबार लें, और उसके बाद आपके घर में जो दूसरे मेंबर हो उनके ऊपर से आप उबार लें। स्पेशली उस मेंबर के ऊपर से तो अवश्य ही उबारे जिस मेंबर के ऊपर आपको लगता है कि नेगेटिविटी का ज्यादा प्रभाव है, जैसे कि कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, कोई व्यक्ति ज्यादा चिड़चिड़ा रहा है, कोई ढंग से काम काज नहीं कर पा रहा है, जो अपनी लाइफ में उसे उसकी लाइफ में जल्दी सक्सेस नहीं मिल रही हो, ऐसे व्यक्ति को 7 बार आप उबार ले, और फिर उस नींबू को पूरे घर में आप घुमा दें, ठीक है? और उसे बिल्कुल टाइटली अपने हाथ में बिल्कुल टाइट बंद करें और ले करके बैठ जाएं, और आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठें। 21 बार आप अपने कुलदेवी या अपने इष्ट देवता का जो भी मंत्र हो उस मंत्र को बोलें, और प्रार्थना करें कि आपके घर में लक्ष्मी का आविर्भाव हो, या फिर जैसे शादी को लेकर के आप तकलीफ में हो तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि शादी के बीच में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावट दूर हो। नौकरी यदि आपकी नहीं लग रही है
तो नौकरी के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि नौकरी को लेकर के जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सारी ही रुकावटें अब इस नींबू के साथ जल करके खत्म हो जाएंगी और मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। ये आपको सोचना है, मतलब कि आपको अपनी भावनाओं को उसके अंदर अब इनहेल करना है। आपको खुद ये सोचना है कि आप तमाम प्रकार की नेगेटिविटी को अब जला करके खाक करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस नींबू को दोस्तों आपको अपने घर के बाहर चौखट के बाहर गाय के गोबर का उपला ले ले, या फिर कोई भी उपला हो उपला ले ले, उसके ऊपर ज्यादा का कपूर रखे, थोड़ा ज्यादा कपूर रखे, ताकि नींबू कंप्लीटली जल जाए और इसे जला दे। नींबू दोस्तों पूरी तरह से जलना चाहिए, बराबर। जब ये सारी चीजें जल जाती हैं तो उसे दक्षिण दिशा में कहीं दूर फेंक दे। दोस्तों एक रविवार ये करने से आपको महसूस होता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, तो इस उपाय को 3 बार तो अवश्य ही आप रिपीट कर ले। मैं यकीन दिलाती हूं दोस्तों ये क्रिया करने से, और बराबर 12 बजे आपको इस क्रिया को करना है। मैं फिर से बता दूं दोस्तों 12 बजे जो क्रियाएं की जाती हैं उसका बहुत ही जबरदस्त पावर होता है। दोपहर का समय होता है, 12 बजे का समय बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। रविवार के दिन 12 बजे या दोपहर को 2 बजे जो कुछ भी किया जाता है बहुत पावरफुल होता है, और ये क्रिया आपको 12 बजे कर लेनी है। तो करके देखिए, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।